रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी, सुनीता और कोमल तीनों एक टूटी हुई झोपड़ी में रहा करती थी। उन तीनों के पति काम करने बाहर गए हुए थे। वो हर महीने पैसे भेजा करते, लेकिन इस महीने एक भी पैसा नहीं भेजा था। वो पैसों के इंतजार करते हुए बैठी थी, तभी उन तीनों में से बड़ी बहू जानकी कहती है, शायद आज भी पैसा नहीं भेजा तीनों ने, इसलिए कोई आया ही नहीं पैसे देने। इस बार इनको घर आने तो दो, फिर बताती हूँ कैसा लगता है जब घर में अनाज का एक दाना ना हो। दीदी, अब बस बोलती हो, लेकिन उनके आने के बाद आप उनसे कुछ नहीं कहती। आप हमेशा ऐसा कहती हो, लेकिन उनके आते ही आपकी बोलती बंद हो जाती है। छोटी है इसीलिए कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें भी हमारी परेशानियों का ख्याल है। अगर उन्हें समय पर पैसे ना मिले तो क्या कर सकते हैं। तो ये तीनों वहाँ की नौकरी छोड़कर यहाँ गांव में क्यों नहीं आ जाते? यहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए। सुनीता, जब हमारे पति बाहर इतना ज्यादा पैसे कमा कर देते हैं, फिर भी महीने के आखिरी में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, तो सोचो यहाँ इस गांव में ना ही हमारी जमीन है और ना ही कोई ढंग का काम, फिर कैसे हमारा घर चलेगा। उनके साथ हमें भी काम कर लेना चाहिए। साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद घर का खर्च भी निकल आएगा। तुम्हारी बात सही है। कल मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर से दूसरे दिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तीनों अपनी दुख भरी कहानियाँ, अपनी कठिनाइयाँ एक दूसरे से बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ पोस्टमैन आकर उन्हें मनी ऑर्डर देकर चला जाता है। पैसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह जानकी अपनी कही बात के मुताबिक काम ढूंढने ही जा रही होती है। तभी सुनीता और कोमल कहती है, दीदी अब नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं है जरूरत, अभी पैसे आ गए इसीलिए। अगर ये पैसे कल नहीं आए होते तो मुझे ऐसा कहती क्या, नहीं ना। तो बस अब वही दिन सोचकर अब हमें रोज निकलना होगा काम की तलाश में, जब तक हमें काम न मिल जाए। दीदी मैं भी आपके साथ काम ढूंढने जाऊंगी, दो पैसे ज्यादा आएंगे तो हमें महीने के आखिर में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं कोमल, अभी तुम घर पर ही रहो, मैं पहले काम ढूंढ लूँ, मुझे मिल जाए उसके बाद तुम भी अपने लिए काम ढूंढ लेना। अगर छोटी जेठानी जी को काम करना हो तो मैं घर पर ही रह जाऊंगी, आप दोनों चली जाना काम पर। अरे क्या बात है, दिमाग तो सही लगाया है तुमने। वैसे सुनीता से पूछ लेते हैं कि उसे क्या करना है या घर के बाहर का काम करना है। दीदी मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तो घर का काम ही बहुत भाता है। तो ठीक है बड़ी दीदी, आप जाओ काम ढूंढने, फिर कभी मैं चली जाऊंगी काम ढूंढने, और रही सुनीता दीदी ये तो घर पर ही खुश है। चलो फिर ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ और शाम को मिलते हैं। जानकी इतना कहकर निकल पड़ती है नौकरी की तलाश में। जानकी को गए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। सुनीता और कोमल बहुत चिंता में थी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी पड़ोसन कांता आती है। क्या बात है सुनीता बहू, तुम्हारी जेठानी कहीं दिख नहीं रही है, घर में है या कहीं और चली गई बिना कुछ बताए। कांता चाची, जितनी जानकारी हो इंसान को उतना ही मुंह खोलना चाहिए, वरना ज्यादा बोलने से सेहत बिगड़ जाती है। और रही बात हमारी जेठानी की, तो उनकी फिक्र मत कीजिए, वो वक्त पर आ जाएंगी। छोटी बहू तेरी जुबान, हाय हाय सत्यानाश हो तेरा, बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। क्यों रे सुनीता बहू, कुछ संस्कार इसके अंदर भी डाल देती। संस्कार खाना नहीं देते, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। और हाँ चाची, आपको तीखी बातें सुनना पसंद नहीं है तो यहाँ से गुजरना बंद कर दीजिए। बस कर छोटी, बहुत बोल रही है तू, अगर दीदी ने तुझे ऐसे बात करते हुए सुन लिया तो क्या सोचेंगी, और ऊपर से मुझे ही डांट पड़नी है, तो बस कर। चुप तो हो जाऊं, लेकिन नहीं हुआ जाता मुझसे, और देखो ना अभी तक दीदी भी नहीं आई। देखो छोटी जेठानी बड़ी जेठानी आ गई। जानकी को घर आता देखकर कोमल और सुनीता बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन जानकी दुखी थी क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, अब पैसे भी खत्म होने को हैं। तो वहीं जानकी को काम ढूंढते हुए 15 से 20 दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन कोमल बाजार की तरफ जाती है तो वहाँ उसे एक मानिक नाम का आदमी कोमल से कहता है, बहन जी आप ऐसे सर पर हाथ लगाकर क्यों बैठी हो, कोई परेशानी है क्या आपको, बता दीजिए शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भाई साहब आप क्या मेरी मदद करेंगे, बहुत दिनों से परेशान हूँ। हम तीनों देवरानी जेठानी
हमें कहीं काम ही नहीं मिल रहा, घर का राशन भी खत्म हो गया। इस हालत में सर पर हाथ न रखूं तो क्या करूं? अच्छा तो आपको काम की जरूरत है ना? देखिए बहन जी, मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता लेकिन कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ ना आपकी, अगर आप चाहें तो। मुझे मदद नहीं, काम चाहिए। अगर आप मेरे लिए कोई काम हो तो वो मुझे दिलवा दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे बहन जी ऐसा मत कीजिए, आप मेरी बहन जैसी हो और बहनें पैर नहीं पकड़ती। ठीक है, मेरा एक छोटा सा दुकान है, अगर आप काम करना चाहती हैं तो मैं आपको अपनी दुकान पे काम दे दूंगा। धन्यवाद भाई साहब, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आपकी दुकान में क्या काम है, मतलब किस चीज की दुकान है? पिज्जा की दुकान है मेरी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप काम कर सकती हैं वहाँ पे। अरे भाई साहब नेकी और पूछ, आप बता दो कब से आना है आपकी दुकान में, मेरा बस चले तो मैं कल से ही आ जाऊं। मैंने कब रोका है, जब मन हो उसी दिन से काम शुरू कर देना आप। कोमल मानिक की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर वालों को उसके काम के बारे में बताती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब एक दिन जानकी और सुनीता कोमल जहाँ काम करती थी वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़े पिज्जा की शॉप पर कोमल काम करती है। तभी मानिक बाहर आकर उनसे कहता है, हाँ जी क्या चाहिए आपको, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? जी हमें कोमल से मिलना था, क्या हम कोमल से मिल सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, वरना हम बाहर ही उसका इंतजार कर लेंगे, जब वो फ्री हो जाए बाहर भेज देना आप उसे। क्या क्यों, क्यों हो गया उसको? जो आप लोग उन्हें बाहर भेजने के लिए कह रही हैं, बता सकती हैं आप मुझे, इस दुकान का मालिक हूँ मैं। साहब आज कोमल बिना टिफिन के काम पर आई है, इसलिए उसे खाना देने आई हूँ, बस खाना देकर चले जाएंगे हम। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, पहली बार कोमल की जेठानियाँ आई हैं, आइए बैठिए टेबल पर। मानिक जबरदस्ती जानकी और सुनीता को अंदर ले जाता है। बड़ी दुकान के अंदर जाते ही जानकी और सुनीता दोनों अपने पुराने फटी कपड़े देखकर शर्मिंदा होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी मानिक उन्हें टेबल पर बिठाता है और उनके लिए पिज्जा मंगवाता है। तभी वहाँ कोमल आती है। आप दोनों यहाँ, आपको पता नहीं मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को यहाँ देखकर। बताइए क्या खाएंगी? साहब ये जो भी खाए मेरी जेठानियाँ उसका बिल मेरे पगार से काट लेना। हाँ ठीक है कोमल, वैसे तुम्हारा लंच टाइम कितने बजे से शुरू होता है? बस सर शुरू हो गया मेरा लंच टाइम। तो ऐसा करो तुम तीनों जेठानी देवरानी आज एक साथ मिलकर खाना खाओ, ठीक है? आज मैं खाना नहीं लाई इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपनी जेठानियों से ही बात कर लूंगी बस। क्यों नहीं खाएगी, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, खाना खा लो, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज टिफिन घर पर नहीं छूटता तो हम दोनों को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये पिज्जा की दुकान ऐसी होती है और पिज्जा ये खाने में कैसा लगता है। जानकी पिज्जा की बात कर रही होती है तभी उनकी टेबल पर पिज्जा आ जाता है और तीनों चौंक जाते हैं। मानिक उन्हें कहता है कि पिज्जा उसकी तरफ से है, तीनों बहुओं के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो ऐसे तीन गरीब बहुओं को पिज्जा खाने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।